सतगुरु रविदास जी महाराज का आंदोलन दिल्ली वाला लोग भूले नहीं। संत जो होते हैं वो सबके होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर देखने को मिला है, 5 दिन हो चुके हैं गिरफ्तारी के बारे में अभी यहाँ के इंचार्जों ने जानकारी दी है, उन्होंने कहा किसी मंदबुद्धि ने कर दिया। ये एक बड़े समाज का मामला, 30 करोड़ फॉलोवर्स हैं संत श्रोमण सतगुरु रविदास जी महाराज के पूरे देश में, और सब में नाराजगी इस बात को लेकर। हरिद्वार कोई छोटी जगह नहीं, बहुत अहम जगह है, पूरी दुनिया की जो है इसे देखती है। तो अभी भी जो मैंने देखा कि प्रतिमा जो है वो खंडित है, और यहाँ के प्रशासन ने मजाक समझ रखा है, यहाँ की सरकार ने मजाक समझ रखा, उन्होंने बदली नहीं है, बस वो डेंट पेंट करके लगा के खड़ी कर दी। ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर। अभी इंचार्ज जो यहाँ, आप उनसे लीजिएगा उनका बयान कि वो कब तक इसको ठीक कराएंगे, अगर ये ठीक नहीं होगी। हमने उनसे भी कहा अगर प्रशासन पे पैसे ना हो, सरकार पे ना, तो हमें बताएं, हम अपने पैसे से जो है मूर्ति रखवा देंगे, लेकिन अगर इस तरह अपमान कर किया जाएगा पूरे समाज का तो बर्दाश्त नहीं। यदि प्रतिमा ठीक नहीं कराई जाती है तो आपका स्टेप क्या रहेगा? देखिए, हम कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं, लॉकडाउन जिस दिन खत्म होगा, लॉकडाउन की बात से भी अगर हम अकेले भी बैठ जाएंगे तो ये भी सरकार को भारी हो जाएगा। हम लॉकडाउन का कानून का पालन करते हैं, वरना संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज का आंदोलन दिल्ली वाला लोग भूले नहीं है। मूर्ति खंडित में एक मंद बुद्धि को प्रशासन के अनुसार जेल भेजा गया है, संतुष्ट हैं आप लोग? अच्छी सी संतुष्टि की तो बात तो ये है कि हम बेहतर जानते हैं पुलिस की कार्रवाई, कि जब पुलिस अपना पल्ला झाड़ना चाहती तो किसी ना किसी को तो भेजती है, लेकिन अच्छी बात है अगर वही अपराधी हो, अगर किसने शरारत की हो तो उसका भी ख्याल रखा जाएगा। या तो बीमार भी के नौजवान है तो हम अपने आप भी निकाल लेंगे किसने किया है, लेकिन अगर अपराधी को बचाने का प्रयास किया जाएगा तो इसके परिणाम फिर जो है वो अच्छे नहीं। अगर ये जल्द का मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।